तो आज मामागढ़ में था डे फोर एंड मामागढ़ से हम लोग जा रहे थे मेरी छोटी मासी घर। तो रास्ते में जाते जाते सारा आप लोगों को बताएंगे कि आज का दिन हम लोगों को कैसा बीता एंड मेरे साथ एक हादसा भी हुआ था गाइस, लास्ट में आप लोगों को सारा बताएंगे। तो जब हम लोग चल जा रहे थे सबका मन बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। अरे पुचकी देखो, हमको राटा भाई भाई बोल दी कि इसके लिए मैं कलकत्ता वाली मासी हूँ एंड देखो मेरी पुचकी कितनी प्यारी लग रही थी एंड मामागढ़ को लास्ट टाइम के लिए बाई बोली। तो कैसे बता रही, 4 दिन बीत गया एंड हम लोग सब रेडी होकर फटाक से निकल गए थे एंड जाने के पहले हम लोग हमारे भोला जी मिल के गए एंड मामा जी आज बनाए थे हम सभी के लिए स्पेशल चिकन करी। तो सारा देखने के लिए व्लॉग में आप लोगों को बने रहना ही पड़ेगा एंड साथ में पुचकी के साथ हम खेले आज रानावटी। तो चलो व्लॉग में बने रहो आप लोग। तो दोस्तों आज था मामा घर में डे फोर एंड सुबह उठते ही इधर पेठाई परोठा और घुगनी खा लिए थे हम लोग। उसके बाद मेरी मम्मी इधर चिंगड़ी का जो छिलका होता है वो रिमूव कर रही थी, बहन अपने में अपने मन से खेल रही थी एंड उधर हमारे घर में ना तीन गो मामा घर में पहले 4 गो मतलब खाना बनाने का रसोई हुआ करता था पर अभी तो 3 ही है बस। तो उधर ही देख सकते हो चावल बन रहा था और आज का जो रेसिपी है मेरे मामा जी बना रहे थे चिकन। बन जाने के बाद ही मामा जी पहले हमको और मेरे भाई को थोड़ा टेस्ट करने के लिए दिए थे और बचपन में जैसे हम लोग खेलते थे ना तो वैसे बहन इधर खेल रही थी, रान्ना बाटी बोलते थे हम लोग बंगाली में। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था देख के। कीड़े ये पंछी मेरे और एक मामा घर में है तो उनसे उससे थोड़ा मिले। उसके बाद हमारे पड़ोस में एक मामा घर है तो उधर वो लोग बोल रहे थे कल रात को आने के लिए तो हम लोग नहीं गए थे तो चले आज चल जाएंगे तो इसीलिए सोचे कि सुबह सुबह जाके मिल आते हैं। और आते ही इधर जो उनका डॉगी है इसका नाम है भोला तो ये इधर आके ही मेरे भाई से पूरा चिपकने लगा एंड इनके घर में भी जो शालिक पंछी है ना वो भी ना पूरा बात करती है कीड़े कौन आया वो बोलते हैं क्या करने आया है फिर नाम लेके सबको बुलाती है मेरे मामा जी लोगों को फिर उनके बेटे लोगों को। तो फिर ये बहुत प्यारी है पर जब हम वीडियो बना रहे थे वो बात नहीं कर रही थी कैमरा देख के, शायद इसको लग रहा था ये क्या ही चीज़ है। और बहुत गर्मी था गाइस आज के दिन भी तो मैं इधर आ गई थी देख सकते हो। और ये मेरे मतलब दादाजी लगते हैं बोल सकते हो नाना जी एंड मामा जी लोग सब पूजा वूजा करने गए हैं। इधर सब ब्राह्मण हैं, हम मेरा मामा घर ब्राह्मण पाड़ा में है, इवन मेरी मम्मी भी ब्राह्मण है, हमारा मामा घर में सब ब्राह्मण है। तो फिर इसीलिए तो इधर आपको जो भी सब मिलेंगे मेरे वीडियोज़ में मामा घर के सब ब्राह्मण ही हैं मेनली। और इधर देख सकते हो पंछी जो है बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रही थी क्योंकि न्यू लोग घर में देखे, हम जब गुस्से तब बोल रहे थे केरे कौन है ऐसे। एंड उसके बाद ये जो डॉगी है और ये बिल्ली एक साथ इधर ही रहते हैं पर ये दोनों प्यार से भी रहते हैं, बदमाशी भी करते हैं देखो। और बिल्ली जो है ना बहुत सियानी है इस वीडियो में मेनली। पहले क्या होता है हुआ था मैं बताती हूँ। तो ये डॉगी सोके हुआ था और ये जो बिल्ली है जाके इसको नाक में काटने का कोशिश कर रहा था, अब इसको आ गया गुस्सा और अभी भागने का कोशिश कर रही है और ये जाके इसको काटने के लिए है और ये इतनी चालाक थी एंड फटाक से वो भाग भी गई देखो। तो हम लोग बहुत हंसी मजाक किए उनके साथ बातचीत किए क्योंकि आज ही हम लोग जाने वाले थे इसीलिए। तो नहा धो के आ गई हूँ पूरा, अभी थोड़ा बहुत बैठूंगी उसके बाद खाना वाना खाऊंगी। मेरे मामा घर में सब प्यार है, सब बोल रहे थे कि रुक जाओ आज के दिन चल जाओगी 2 दिन बाद जाना, पर ऐसा कुछ नहीं किया, हम लोग को आज ही आना था कि हम लोग जाएंगे मासी घर। तो फिर चलो बबक करते करते इधर हमें आप लोगों को दिखा रही थी कि क्या क्या खाना बनाते, चिंगड़ी मछली देके चौचूड़ी बनाता, सब्जी वगैरह देके, फिर सलाद था साथ में नींबू वगैरह क्यूकम्बर था, उसके बाद चिकन था जो मेरे मामा जी बनाए थे खुद और बहुत टेस्टी बना था। उसके बाद दोपहर को इधर हम चल गए थे मेरे एक मामी घर बातचीत करने क्योंकि आज मैं चल जाऊँगी घर। उसके बाद थोड़ा जूस बना के दिए थे मौसम्बी का लेमन का बहन को तो वो उधर वो पी रही थी। उसके बाद हम लोग फटाक से हो गए रेडी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था हम लोगों को। ये भी हम लोगों के रिश्ते में लगते हैं, मामा की बेटी का हम मेरी फ्रेंड लगती है तो उसकी जो बेटी है इधर हम उसकी मासी होती है बहुत प्यारी तो उसे मुझे कलकत्ता वाली मासी बुलाती है। तो उधर मुझे टाटा कर रही थी और उसका मुंह बहुत छोटा हो गया था आप लोग देख ही सकते हो क्योंकि आज मैं चल जा रही थी। एंड उसके बाद इधर बहन को देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है और बहन और उसकी बुआ जी दोनों आज येलो येलो पहने थे। एंड लास्ट टाइम मैंने अपने घर को मामा घर को टाटा बाय बाय बोल दिया तो थोड़ा बहुत वीडियो क्लिपिंग्स ले लिया और ये थी मेरी फ्रेंड जो देख सकते हो आप लोग इसको। एंड सबको इधर टाटा बाय बाय मामी फिर बहुत लोग थे जो हमारे इधर बहुत बड़ा हमारा फैमिली है गाइस। आप लोगों को मेरा फैमिली ट्रिप बताएंगे मामा घर का तो आप लोग सोच के इतने बड़े तो फाइनली सबको टाटा बाय बाय बोल के इधर हम लोग को टोटो पकड़ लिए और आते ही फाइनल हमको टोटो मिल गया था जो सबसे अच्छी वाली बात की। पहले तो हम लोग को कितना चल के जाना पड़ता है, जब मार्ट आप लोग देख रहे हो ना
पूरा इधर मतलब पूरा स्टेशन से उतर के मतलब रेल का जो पटरी है उधर से हम लोग को चल के आना पड़ता था मामा घर। करीब करीब 2 से 2.5 घंटा चलने के बाद मामा घर आ पाते थे। और ये रास्ता फिर मम्मी को ही पता है, हम लोगों का भी छोड़ दिया जाएगा, बोलेगा कि मार्ट के रास्ते से आओ आप लोग, तो कभी भी मैं नहीं आ पाऊँगी ना ही मेरे पापा आ पाएंगे। तो अभी तो रास्ता हो गया है बहुत अच्छा, तो इसीलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता। ये सबसे अच्छी वाली बात है मेरी मामागढ़ की। बात करके करते करते कब दो गांव पार करके हम लोग हाईवे में आ गए, पता ही नहीं चला। देख ही सकते हो हाईवे रोड था, तो रामकृष्णपुर से हम लोग जा रहे थे सीनियर हाट जो नेक्स्ट वाला स्टेशन है, और हम लोग आ गए थे मेनली मासी घर बोल सकते हो। तो उधर उतर के हम लोग इधर मिठाई खरीदे, तो गांव का मिठाई भी बहुत टेस्टी होता है गाइस। तो इधर पर बहुत कम प्राइस होता है, कोलकाता में तो बहुत प्राइस होता है मिठाई का। तो फिर इधर उनका फैमिली बहुत, मेरी छोटी वाली मासी घर का फैमिली जो है बहुत बड़ा है, मतलब सारी गोतनी वगैरह सब एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। तो सबके लिए हम लोग इधर ढेर सारा मिठाई खरीद लिए। एंड गाइस आप लोगों को पता है मेरी जो मासी है छोटी मासी वो 8th नंबर वाली है, मतलब मेरी मम्मी 7th नंबर में है और वो मासी जो है 8th नंबर वाली है। तो मतलब अष्टम गर्भ, जैसे आप लोगों को पता है ना जो हमारे कृष्ण जी है वो भी अष्टम गर्भ वाले थे, तो मेरी मासी जी भी है ना वो भी अष्टम गर्भ वाली है। कोई गल सॉ तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे छोटे मासी घर। आप लोगों को पता ही होगा कि नारायण जो है उसकी मम्मी तो वो मेरी छोटी मासी लगती है। तो फिर चलते हैं चलो। और हम ना मतलब घर से सोचे थे कि वीडियो स्टार्ट करेंगे, पर वो मुझसे हुआ नहीं था, बहुत हड़बड़ी में रेडी हो रहे थे, फिर कल वाला वीडियो भी एडिट कर रहे थे ना इसीलिए। तो फिर चलो चलते हैं, आप लोग भी ब्लॉग में बने रहना। तो आने के बाद मैं थोड़ा गार्डन गई थी, पर मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था, फ़ोन घर में था। आते हम लोग इधर चाय बिस्किट वगैरह पिए, और इधर मैं इतना सैड होके सो के पड़ी थी इसीलिए नारायण जो है वो मजाक मजाक में एक मतलब ढील लेके मेरे माथे पे मार दिया, और इतना ज़ोर से मुझे लगा मेरा सिर दर्द दे रहा था। तो माथे में इधर ठंडा पानी बर्फ वगैरह देने के बाद मैं थोड़ा सो के थी, बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था मेरा, और वो मजाक में क्या इसलिए उसे क्या ही बोल सकती हूँ, तो इधर मैं इसीलिए सो पड़ी थी। उसके बाद मैं सो ही गई थी गाइस लिटरली, जब मैं नींद से उठी मम्मी मेरी देख सकते हो ये जो चूल्हा में खाना बनाते हैं और हम लोग होते तो होगा ही नहीं, तो मम्मी इधर चूल्हा में खाना बना रही थी। मासी का भी थोड़ा बहुत तबीयत खराब है इसीलिए, तो फिर कड़ी वगैरह सारा बन के रेडी था, और तब मैं इनसे उठी थी। आलू पटल का छिंगड़ी मछली लेके कड़ी बना था, उसके बाद इधर केकड़ा बना था जो मेरा बहुत फेवरेट है, एंड उसके साथ इधर बना था मछली का कड़ी, सारा खा लिए थे। उसके बाद इधर सोने आ गए थे, पर उनका बहुत ज़्यादा धान होता है ना मेनली, तो वो घर में उठाया गया था इसीलिए बहुत ज़्यादा कीड़ा बिस्तर बिस्तर में भरती था, तो सारा रात ठीक से मेरा नींद नहीं हो पाया था। तो आज का व्लॉग इतना ही था, तो मामा घर का व्लॉग बस और एक आने वाला है, उसके बाद और आप लोग को कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि कल हम लोग मामा घर से घर लौटने वाले। तो उससे कुछ फ़ोटोज़ आप लोगों के साथ शेयर करते जो मेमोरेबल होगा, तो फिर आप लोग भी देखते रहो। जब मैं वीडियो बनाने गई थी तब सारे लोगों का मुझे देखने से लेकर शुरू करके कुछ ही लोगों का भगवान जी का प्रणाम, मेरा क्यूट सा चिकन कड़ी कुर्ती लुक, साथ में इतना प्यारा सनसेट, तो गांव के जो परिवेश है उसका तो बात ही अलग है। फिर मेरा ये फूल देखे एक वीडियो, उसके बाद इतना सुंदर सुंदर व्यू, तो सारा मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। ये हमारे नारायण शिला जी और उनको प्रसाद चढ़ाना पूर्णिमा के दिन सिन्नी वगैरह ये सारा से लेकर स्टार्ट करके मतलब ओवरऑल जो गांव का मेमोरी है बहुत प्यारा है। मेरे मामा घर ही मतलब मेरे लिए मेरे गांव का घर है, क्योंकि मेरे गांव के घर में मैं बहुत रेयर बचपन में एक बार ही गई थी, तो वो बहुत बड़ा एक मतलब है, मैं क्या ही उतना सारा बताऊँ। फिर ये जो खिचड़ी बचपन वाला खाना और मम्मी का चूल्हा में खाना बनाना, पूरा मेरा नानी जी का याद आ जाना सारा मिला के। अभी तो नानी और नानू जी नहीं हैं, पर अभी भी मामा घर में जाते हैं उनको बहुत मैं मिस करती हूँ। एंड ये जो तूफ़ान आना जो कोलकाता में बहुत मिस कर रही थी मैं, साथ में मेरी दीदी बाहर पढ़ने गई है, तो उसके साथ वीडियो कॉल में हम लोगों का बातचीत करने से लेके स्टार्ट करके फर्स्ट डे मामा घर आने को लेके, अभी तो गार्डन में न्यू घर भी बन गया है हम लोगों का, तो अभी बहुत कुछ एडवांस हो चुका है। पहले पता है टिकट ऐसे नहीं हुआ करता था मामा घर का, तो एक प्लाईवुड में आता था, तो बहुत सब कुछ। और मामा घर का ये जो व्यू है सारा गांव का ओवरऑल सारा मिला के बहुत मिस करूँगी इतने सारे दिन को। एंडी मेरी जो पुचकी है ना ये बहुत हस्ती खेलती रहती है, पर इसको जब बचपन गिर गई थी उसके बाद से उसका थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया, इतनी बड़ी होकर भी ठीक से चल नहीं पाती है, उसका एक नर्व का प्रॉब्लम आ गया है, तो कुछ दिन बाद ही उसका ऑपरेशन के लिए हम लोग सोचे हैं, तो आई होप सब ठीक हो जाएगा और वो भी हमारे द्वारा चल पाएगी, बहुत इंटेलिजेंट है। तो यही सारा मेमोरेबल था। तो चलो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के, टाटा बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो।